नमस्कार, मैं संदीप कुमार सिंह, कलेक्टर दादरा नगर हवेली, आप सभी लोग को यह बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले हमारा प्रदेश बिल्कुल कोरोना मुक्त था, लेकिन सेकेंड वेव के आने के बाद आज के दिन करीब 180 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। लेकिन आप सब लोग को ये भी याद होगा कि पिछले वर्ष जब कोरोना का आगमन हुआ था, तब हम सभी लोगों ने सभी नियम कानून का पालन करके इससे हम बच पाए थे और इसके प्रभाव को रोक पाए थे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज के दिन भी जो नियम कानून लागू है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो कर्फ्यू को टाइमिंग्स है उसको मेंटेन करना, केवल जरूरी चीज़ों के लिए ही बाहर जाना, इन सभी चीज़ों का यदि हम सही तरीके से पालन करेंगे तो हम कोरोना वायरस के आने वाले जो भी प्रभाव होंगे उससे अपने आप को बचा पाएंगे और अपने प्रदेश को भी इससे बचा पाएंगे। इसके लिए प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी ने जरूरी कदम ले रखे हैं और हमारे यहाँ पे बेड्स की कमी ना हो, मेडिसिन की कमी ना हो, डॉक्टर्स की कमी ना हो और हर तरह के मेडिकल सुविधाएं लोगों को दी जा सके, इसके लिए भी पूरा प्रबंध किया गया है और आने वाले दिनों के लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं। और इसका जो सबसे अहम पार्ट है वो है वैक्सीनेशन। अभी भी हमारे यहाँ पर कई सारे एलिजिबल लोग, खासकर जो 45+ ईयर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लें और आने वाला जो वैक्सीनेशन सप्ताह 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो मनाया जाने वाला है, वहाँ पर अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और कोरोना का वैक्सीन लें। आज के दिन में हमारे पास में दोहरे अस्त्र शस्त्र है, एक जो कि नियम कानून को पालन करके हम कोरोना से दूर रह सकते हैं और दूसरा अपने आप को वैक्सीनेशन के कैटेगरी में लाकर, वैक्सीनेशन दिलाकर हम अपने आप को इसके प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस दूसरे फेज़ में भी हम उसी तरीके से काम करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाती है उसका फॉलो करेंगे, ताकि कि हम कोरोना के प्रभाव को अपने प्रदेश में यहाँ पर रोक पाएं।